हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज है जी एनी का बर्थडे और हम लोग निकले हैं फ्री बर्थडे प्रेजेंट हंट। ये बोलो ना भाई, तो मैंने सोचा क्यों उसका एक व्लॉग बनाया जाए। तो आज के व्लॉग में शुरू करता हूँ यहीं से, आपको बताता हूँ आगे कैसे। गाइस, कनाडा पे कहानी ऐसी है कि जब आपका बर्थडे होता है ना, तो काफ़ी जगहों पे आपको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, फ्री फूड मिलता है, फ्री मील, फ्री ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं। जैसे कि अभी हम जा रहे थे नया टीवी पिक करने के लिए, इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या हुआ। तो जी एनी अभी रुकी है टिम हॉर्टन्स पे, क्योंकि वहाँ ये जाएगी तो वहाँ पर उसको मिलेगी फ्री ड्रिंक। तो पहले वो फ्री ड्रिंक लेके आ जाए, उसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। टीवी की कहानी ऐसी हुई थी कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ पीछे हमारा टीवी। ये हमने अभी समझ लें 30 दिन भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ इस टीवी को। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है, स्टैंड अप। ओके, वी विल गो इन अ मिनट, जस्ट शो देम। इस बच्चे ने क्या किया है कि इस बच्चे ने जोर से गाड़ी खींच के मारने की कोशिश करी मेहदी को, और मेहदी सामने से हट गया और वो जाके लग गया हमारे टीवी पे। और ये हमारे टीवी की स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई। तो ये कहानी हादी साहब ने की। तो आगे का कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इनकी वीवी को सॉर्ट कर दूँ। हाँ, तो हादी साहब को मैंने भेजा टिम हॉर्टन्स, वो जाके करेंगे वहाँ पर अपनी वीवी और अपना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हादी ने जो है वो टीवी की स्क्रीन जो है वो डैमेज कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूके की तरह नहीं होता। यूके में क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस करा लेते हैं ना, तो एनीथिंग हैपन इट कवर्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो आप जानबूझ के आपने टीवी पर मार दें, या टीवी बाहर से ख़राब हो जाए, टूट जाए, कुछ टीवी पे गिर जाए, बच्चा कुछ खींच के मार दे, सब कुछ यूके में कवर होता है। वो आते हैं और आपको दूसरा टीवी देते हैं, या उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता तो वो आपको नया टीवी दे देते हैं, या फिर आपको पैसे दे देते हैं कि भाई आप खुद खरीद लो नया टीवी, अगर उस वाला सेम मॉडल अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको मिलती है 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी। मैन्युफैक्चर वारंटी के बाद आप 2 साल की या 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इट ओनली कवर्स इफ समथिंग हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। फिजिकल डैमेज या कॉस्मेटिक डैमेज को कवर नहीं करते। तो खैर जी, हमने फ़ोन किया, हमने पहले कोशिश करी कि भाई ज़रा वारंटी वाले भी कोशिश करें। अभी जो लिया, अभी $1000 का टीवी लिया यार, अभी दोबारा से कहाँ से लेता। तो ठीक, वो एलजी वाले, हमने लियोन्स को फ़ोन किया जहाँ से हमने लिया था। उन्होंने कहा आप एलजी वालों को फ़ोन करें, एलजी वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कब से बात का अपॉइंटमेंट दिया। तो ट्यूसडे को वो आए थे देखने के लिए, वो आए, एक इंजीनियर साहब आए, उन्होंने कहा कि तो उसमें क्रैक है अंदर की तरफ, विच कम्स इन अ फिजिकल डैमेज, सो वी कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट दे सेड टू अस। और वो अपना हाथ झाड़ के चले गए। अब भाई एनी ने एल जी को फोन मिलाया कि किस तरीके की कोई डैमेज है, बाहर से कोई डैमेज है, क्योंकि बाहर से कोई डैमेज नहीं था, अंदर से था। उसने गाड़ी मारी थी ना, तो अंदर की स्क्रीन टूट गई थी, बाहर जो है ना वो मोटा ग्लास होता है वो नहीं। तो जी उसके बाद जो है अपना वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एनी ने फोन मिलाया, काफ़ी चुकी उनके साथ। उसके बाद जो है अपना उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाद आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद जी अपना बहनी तो फिर वही कि हम तुम कहाँ लेके आ गए हो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। कौन सी कंट्री है जी, कल तुम क्या बोल रही थी, कौन सी कंट्री में लेके आ गए हैं? हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लेके आ गए हो, ये अच्छी कंट्री, ये वो ये वो। ये अभी चली गई, बहुत दाल हुई थी, क्योंकि मैंने उसको एज अ न्यू घर का एज अ गिफ्ट दिलाया था उसको टीवी। तो जी वो फिर मैंने जब बात करी उनसे थोड़ा सुकून से, तो फिर जो लियोन्स वाले थे उन्होंने कहा कि हाँ आपने अभी रिसेंटली ही लिया टीवी, तो एक काम करते हैं कि आप लेके आ जाए, हम आपको नया टीवी दे देते हैं। तो कल हम गए थे और उन्होंने हमें नया टीवी के जो है उन्होंने हमें क्रेडिट दिया $1250 का।
सो उसके अंदर भी हमने टी सेलेक्ट किया। तो अभी हमने कहा कि वो हमारे दूसरी साउथ ईस्ट की ब्रांच में जो हमारे घर के पास है वहाँ पे है, तो आप अपना पुराना टीवी जो कि पीछे पड़ा है ड्रॉप करके और आप नया टीवी वहाँ से पिक कर। तो हम अभी वही लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एनी जो है वो अपनी बर्थडे पे गिफ्ट जो मिलते हैं यहाँ पे वो पिक कर। तो अभी हम आए हैं, अली कहाँ है अभी? सफोरा आए हैं। यहाँ पे सफोरा में जो है अपना यहाँ पे हमने पिक किया है फ्री मेकअप किट, तो अभी ये जा रही है लेने के लिए, देखते हैं क्या लेके आती है। तो आज हम लेके आए हैं अपनी डॉज वैन, क्योंकि टीवी जो है वो इसी के अंदर फिक्स हुआ था। और अभी एनी गई हुई है सामने सफोरा में अपना बर्थडे गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए। सो लेट्स सी क्या लेके आती है, बैठते हैं गाड़ी में। तो क्या दिया उन्होंने आपको? तीन चीजें थी सिलेक्शन में, एक मस्कारा था, एक ये ग्लो रेसिपी कुछ है, हाँ, एक कोई और चीज थी मेरी, एक हाँ वो डियोर का सैंपल था परफ्यूम का। अच्छा, वो तो है मेरे पास, तो मैंने ये ले लिया। तो मुझे ब्रेड भी चाहिए था, ब्रेड चाहिए। अच्छा चलो, और क्या बोला कि वो नहीं करते ब्रेड नहीं करते जी? गाइस टिम हॉर्टन्स वालों ने बोला कि हम नहीं करते, और जो है सफर वाले ने वो किया है जो बरीना को चाहिए था वो नहीं है। अब कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम जा रहे टीवी के पास। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे टीवी लेने, उसके बाद देखते हैं आगे क्या। तो हम लोग आ गए हैं साउथ ईस्ट में जो है लियोन, और जो टीवी है वो हमने गाड़ी में देखा हुआ है, पुराना वाला है। तो अब यहाँ पर हम आए हैं, आई होप कि जब ये नया वाला देखा तो पुराना वाला मुझे डाल देगा। तो अब देखते हैं आगे कैसे। बैठे हुए हैं कस्टमर सर्विस, हम आए थे वहाँ काउंटर पे, तो उन्होंने कहा कि आप जाएं इस कस्टमर सर्विस पे, यहाँ उन्होंने लिया है हमसे कल जो हमें इनवॉइस मिली थी वो, और अब वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे फर्नीचर वगैरह देखने के लिए। काफ़ी बिजी है काम होगा। अच्छा, यहाँ पे एक इशू ये भी होता है कि जो बंदा फर्नीचर ले लेता है पुराना वाला फर्नीचर कहाँ जाए? जैसे यूके में वो बने हुए होते हैं डंप करने की जगह या बिन्स वगैरह बने हुए होते हैं कि हम डाल के आ जाएं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपको फिर लोगों को पैसे घर पे देने पड़ते हैं कि वो जो है वो मतलब घर से आके ले जाए, लेकिन कोई आप खुद से फेंक दो ऐसी कोई जगह है नहीं। तो अभी हम करते हैं वेट, फिर इसके बाद देखते हैं आगे का सीन होता है। तो गाइस सॉर्ट हो गया है, और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो डोर नंबर 2 पे गाड़ी लेके आ जाए हैं जो कहने लेके आ रही है, तो वो अपना आपकी गाड़ी में टीवी लोड भी कर देंगे और कुछ पुराना टीवी है वो अनलोड भी कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि आप यहीं पर ही टीवी इंस्पेक्ट कर लें, क्योंकि अगर इसके बाद कोई मसला हुआ तो आपको जहाँ से आपने पहले लिया था आपको वहीं जाना पड़ेगा, हम नहीं डील करेंगे इसमें। तो देखिए हम अभी इंस्पेक्ट करेंगे। तो हमने जो पुराना वाला टीवी है वो रखा हुआ है, हमने वो उतरवा दिया है, और अब हम वेट कर रहे हैं नया वाले टीवी का, और फिर ये हमें वो चेक करवाएंगे हमें देने से पहले।
तो अभी हम कर रहे हैं इसका वेट। जी गाइस, तो टीवी हमारे को मिल गया है, ये रखा हुआ है पीछे और वो बैठा हुआ है टीवी तोड़ने वाला, जिसने पहले टीवी तोड़ा था। और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? तो गाइस, स्टारबक्स वालों ने दिया है एनी को फ्री ड्रिंक एनी साइज। तो ये लेके ये मिला है इनको सेकंड गिफ्ट फ्रॉम कनाडा। तो बस अब कहाँ जाना है, बस पिज़्ज़ा हट, बस और कहीं जाना ना भाई? हाँ, वैसे तो और सब भी सही है, वैसे तो और भी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बस अभी हम और जगह नहीं जा सकते क्योंकि फिर मैं मुझे घर भी जाके आराम भी करना है, काम पर भी जाना है, तो इतना ही भाई। अब हम जाएंगे सीधा पिज़्ज़ा हट। जी गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़ा हट पे और एनी गई है अंदर खाना लेने के लिए, और उसके बाद शायद वो जाएगी सामने वाली आइसक्रीम शॉप पे अपना बर्थडे पे जो वो देते हैं ट्रीट लेने के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा घर। तो जी गाइस, ये बस मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, बताने के लिए कि जो अगर आपकी बर्थडे यहाँ पर होती है और आप अगर उस पर आपकी काफ़ी जो ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी जगह होती हैं वहाँ पर आप जाते हैं, तो वो आपको फ्री बर्थडे ट्रीट देते हैं। और बस, और जो ये टीवी का हादसा हुआ है, ये मैंने आपको बताना था कि ये हादी साहब ने जो कि बैठे हैं, हादी टेल देम व्हाट हैपेंड विद टीवी। Down. Who did that? You. Hadi, yeah. Listen. Tell them what happened. Are you gonna do it again? You gonna do it again, Hadi? Hmm? Are you gonna do it again? No. Hadi, Basuno? Are you gonna do it again? No. Promise? Promise? Promise. Good boy. तो जी गाइस, तो बस ये आपको बताना था कि ऐसे हमारे टीवी हो गया था, और अब यह है कि अब उन्होंने हमें नया टीवी दे दिया है, तो ऑल वेल। कोई तो खैर, वो 65 इंच था और उन्होंने हमें 75 इंच दे दिया है, तो सही मिल गया, अच्छा मिल गया। वो LG का था और ये सोनी का दे दिया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यस, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आई होप कि आपने ये वीडियो जो है वो इन्जॉय की होगी। आप प्लीज़ अगर मेरे YouTube चैनल पर मुझे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पर भी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा यार वो दिल बढ़ता है, फिर ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। तो बस अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।